finishes off in style. पिछले तीन चार महीनों से शुभमन गिल जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं और एक के बाद एक शतक लगाए जा रहे हैं। अभी बीते दिनों वह वनडे में दोहरा शतक लगाए थे, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले T20 सीरीज में वह शानदार शतक भी जड़ चुके हैं। शुभमन गिल अभी जो भी अच्छी पारी खेल रहे हैं उसके बाद उनका नाम सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के साथ जोड़ा जाता है। हमें विश्वास है कि आप भी ये सारे मीम्स या तो सोशल मीडिया पर देखे होंगे या फिर शेयर किए होंगे, लेकिन अभी तक सारा या शुभमन की ओर से इस रिलेशनशिप के बारे में कोई भी ऑफिशियल खबर नहीं आई है। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सब बस अफवाहों को ही तूल दिए हुए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये सारा और शुभमन वाली कहानी किस समय और कैसे शुरू हुई थी? अगर आप नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको शुरू से यह बताने वाले हैं कि इस तथाकथित रिलेशनशिप की शुरुआत कहां से हुई थी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2018 में IPL कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद शुभमन गिल KKR के लिए खेलने लगे। साल 2019 में वह IPL का अपना दूसरा सीजन खेले और इस सीजन के खत्म होने के बाद वह एक लग्जरी SUV रेंज रोवर खरीदे। इस गाड़ी के साथ वह इंस्टाग्राम के ऊपर एक फोटो शेयर किए। ये बात 2 जून 2019 की है। इसी फोटो के नीचे सारा तेंदुलकर का एक कॉमेंट आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और साथ में एक ब्लैक हार्ट का इमोजी भी था। शुभमन गिल ने भी इस कमेंट के रिप्लाई में लिखा थैंक्स अ लॉट और उसने भी एक ब्लूमिंग हार्ट का इमोजी डाल दिया। अब दोनों के कमेंट के बीच में हार्दिक पंड्या भी कमेंट करने आया, जिसमें वह शुभमन गिल को टैग करते हुए लिखे कि मोस्ट वेलकम फ्रॉम हर। अब सारा का सारा खेल यहीं से शुरू हो गया। इसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह यह खबर आग की तरह फैल गई कि शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसके साथ ही लोग दोनों के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी खंगालने लगे, जिसमें लोगों ने यह देखा कि ये दोनों एक दूसरे को फॉलो भी कर रहे हैं। साथ ही सारा तेंदुलकर शुभमन गिल की बहन शहनील गिल को भी फॉलो कर रही है। अब लोगों को ये नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं लगा। इसके बाद से शुभमन गिल के हर एक उपलब्धि पर लोग सारा तेंदुलकर के नाम से उनको छेड़ते रहते हैं। हालांकि इसके बाद सारा और शुभमन एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिए थे। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताते चलें कि एक बार सोनम बाजवा के एक चैट शो में शुभमन गिल ने यह रिवील किया था कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान उनको काफ़ी फिट लगती है। इसके बाद उसी साल अगस्त महीने में शुभमन गिल को सारा अली खान के साथ मुंबई में डिनर पर देखा गया था। यह वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल भी हुआ था और लोग इस खबर के खूब मजे भी ले रहे थे। हालांकि सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल के बीच कुछ है भी या नहीं, ये तो वही दोनों जाने, लेकिन इन दोनों के अफेयर्स की खबरों से सोशल मीडिया अक्सर भरा पड़ा रहता है। अगर आप भी इस अफेयर के पीछे की कहानी को नहीं जानते थे तो हमें इस बात को कमेंट में लिखकर बताइए। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेजोर क्रिकेट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।